ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले डिग्री और रेडियन का रिलेशन देखेंगे। तो एक रेडियन में आपका 180 अपॉन पाई अंश होता है, और इसी को हम कह सकते हैं कि 57 अंश 16 मिनट, ये लगभग इसके इक्वल होता है। अब हम रेडियन में बदला है 40 अंश और 20 मिनट हमें गिवेन है, इसको हमें अगर रेडियन में बदलना है तो सबसे पहले हम ये जो मिनट गिवेन है इसको हम अंश में बदलेंगे। तो अंश में इसको 60 से डिवाइड होगा तो 1/3, ठीक है, 3 बार कटेगा तो ये 40 + 1/3 इतने अंश हो जाएगा। फिर पाई बाई 180 से गुणा होगा तो रेडियन में इतना मिल जाएगा। इधर 6 रेडियन को हमें बदलना है डिग्री, तो सबसे पहले 6 रेडियन को हम डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, तो 6 में हम पाई 180 का गुणा पाई से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 1080 × 7/22 डिग्री। अब हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, इसी को हम 2 से पहले काटते हैं, अगर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा आपका पूरा कैलकुलेशन के बाद 343 और सही 7/11। इसी को हम कह सकते हैं 343 + 7/11 है आपका, किसका पार्ट है ये, 60 का, तो ये भी आपका अंश में हो जाएगा। ये पूरा मिलेगा 343 अंश प्लस, और ये सॉल्व करने पे आएगा लगभग 38 मिनट, ठीक है, और 2/38 मिनट और 2/11 ये मिनट, ठीक है। अब हम इसको सेकेंड में बदलें और पूरा सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका 343 अंश 38 मिनट और 11 सेकेंड लगभग, डिवाइड करने के बाद आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये मिलेगी। अब हम दूसरे चैप्टर से चलते हैं। पहले चैप्टर में ये आपके कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या और रेडियन अंश वर्ग बदलने वाले हैं, तो इसको बाद में करेंगे, पहले हम 3.2 और ये वाले प्रॉब्लम करते हैं। तो 3.2 में आपको जो शुरुआत है इसमें कह रहा है अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को बताओ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्हीं को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 आपके जो सबसे ज्यादा चलते हैं, साइन कॉस टेन, और 3 इनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। साइन का रेसिप्रोकल उल्टा होता है कॉसेक एक्स, इसका सेक और इसका कॉट। तो हमें बेसिकली 3 निकालने होते हैं, 3 हम रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं हमें। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वाड्रेंट भी गिवन है और एक वैल्यू भी गिवन है, कॉसेक्स इक्वल टू गिवन है 1/2 माइनस का, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो क्वाड्रेंट वाली बात भी आपको पता होगी, पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 अंश तक होता है, दूसरे में 90 से 180 और 180 से 270 और चौथे में होता है 270 से 360। तो कॉस एक्स नेगेटिव है, थर्ड में कॉस एक्स नेगेटिव होता भी, तो बाकी हम सब निकालेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अब हमें ये पता रहेगा कि कौन कौन वैल्यू नेगेटिव रहेगी, कौन पॉजिटिव, तो ऑल साइन 10, तो थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सब निगेटिव होंगे। तो बस अब हमें इतना ध्यान देना होगा कि 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी जो 4 और है वो निगेटिव होंगे। तो कॉस से पहले हम साइन एक्स निकालते हैं, पहले आपको चिन्ह का ध्यान नहीं देना है, बस सूत्र में सीधे रखते जाना है, 1 − cos²x होता है, तो इस सूत्र में रख देंगे तो ये आएगा आपका 1 − 1/4 यानी 3/4, और रूट लेंगे तो √3/2। तो साइन एक्स कैसा रहना है, थर्ड में नेगेटिव, तो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, यहाँ ध्यान देना। अब साइन कॉस आ गए, और टेन कैसा लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, तो साइन कॉस से डिवाइड करके भी टेन निकाल सकते हो। तो टेन एक्स आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका √3। इसी तरह कॉस आ गया, तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, तो 6 वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए यहां पर लिख देते हैं,
तो पहली वैल्यू थी कॉस एक्स की माइनस आर, इसका रेसिप्रोकल होगा सेक एक्स, ये होगा माइनस टू। फिर था आपका साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू थी माइनस रूट तीन बटे दो, तो कॉस एक्स हो जाएगा दो बटे माइनस का दो बटे रूट तीन। टेन एक्स था रूट तीन, तो कॉट एक्स भी होगा एक बटे रूट तीन, यानी प्लस का रहेगा ये। तो बस यहाँ पे आपको मुख्य रूप से चिन्ह का ध्यान देना है और उसी चिन्ह के हिसाब से ही आपको धन ऋण वैल्यू डिसाइड करनी है। दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरे में आपको दिया है, तो मैं दूसरे से आगे थोड़ा सा आगे चल के सीधे पांचवा देखता हूँ, क्योंकि सब एक से ही। पांचवा में टेन एक्स इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स, अगर एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसमें साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉस एक्स, ये दो पॉजिटिव होंगे बाकी सब निगेटिव होंगे। तो हम ट्रेंगल भी बना सकते हैं, ट्रेंगल बनाएंगे तो ये लंबवटी आधार होता है, तो पांच और ये आधार, तो ये आ जाएगा तेरह, करण तेरह आएगा पाइथागोरस से। अब हम निकालेंगे यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स पॉजिटिव रहना वो होगा लंबवटी कहाँ, यानी पांच बटे तेरह। फिर बचा आपका साइन कॉस, कॉस एक्स निकलेगा तो ये आएगा आपका, ये ट्वेल्व था सॉरी बारह बटे तेरह, तो ये भी आपका रहेगा नेगेटिव, क्योंकि साइन और कॉस एक पॉजिटिव रहना है, बाकी नेगेटिव होंगे, एक तो नेगेटिव गिवन था एक ये आएगा। अब इनके रेसिप्रोकल लिख दीजिए, तो कॉट एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस बारह बटे पाँच, कॉस एक एक्स हो जाएगा तेरह बटे पाँच, और सेक एक्स हो जाएगा माइनस तेरह बटे बारह, तीन ही हो जाएंगे, तीन ही हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे चिन्ह का ध्यान देना है, वैल्यू आप ट्रायंगल से और भी कई सूत्रों से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स में है आपका साइन सात सौ पैंसठ, इनकी वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे क्वेश्चन में आप चक्करों की संख्या निकालेंगे और फिर पहले चतुर्थांश में ही आ जाते हैं, एक चक्कर के बाद, एक चक्कर दो चक्कर, यानी इनको हम जनरलाइज कर रहे हैं चक्कर के लिए। तो साइन टू एन पाई प्लस पाई, तो ये वैल्यू होती है प्लस थीटा सॉरी, तो ये साइन थीटा होता है। इसी तरह कॉस टू एन पाई प्लस थीटा, ये भी कॉस थीटा होता है, टेन भी होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा, और ये जो चतुर्थांश है ये आपका टू पाई की तरह है, टू पाई और फोर पाई में निष्पत्ति नहीं बदलती, तो चिन्ह इस तरह देखेंगे। तो 765 में हम देखें तो ये दो चक्कर तो 360 का दोगुना होगा 720, तो इसी को हम तोड़ के लिखेंगे 720 अंश प्लस 45 अंश, और 720 के बाद प्लस 45 है तो पहले में ही आ जाएगा, तो ये होगा आपका साइन 45। भाई दो चक्कर के बाद 45 अंश और चलोगे तो ये बनेगा, एक चक्कर में 360 कितना हुआ, फिर चलेंगे तो 720 और फिर 45, तो इस तरह होगा ये एंगल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तरह सेवेंथ है माइनस कॉस एक 1410 अंश, तो माइनस ही हटा लें आप पहले और इसको अपॉन में ले आए, माइनस ऊपर लगा लिया और साइन बदल लें इसे, ताकि हमें चीज़ें सोचने में आसानी रहे। अब हम इसमें 360 से डिवाइड करेंगे, तो 36 से दे देंगे भाग, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो चार बार जाएगा नहीं जाएगा 24, और ये होता आएगा तो इधर आपका आएगा 12 और 2 14, ज़्यादा हो जाएगा, तो तीन बार तो कन्फर्म होगा, तो पिछंग 18 9 और 1 10, ये आपका बच्चा 5, ये बच्चा 35, तो इसको हम लिख सकते हैं तीन चक्कर के बाद 35 अंश बचेगा, ठीक है। तो इसको हम 1410 को लिख सकते हैं माइनस 1/3×360 प्लस 35 अंश, ये 5 और इधर बचेगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका साइन 35 अंश। आगे बढ़ते हैं,
इसी तरह करने हैं, पाई वाले भी एक आध देख लेते हैं। इसमें कॉट माइनस 15 पाई बाई 4, सवाल नंबर 10 है। कॉट माइनस 15 पाई बाई 4, तो पहले तो माइनस हटा लीजिए, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट 15 पाई बाई 4। अब इसको 10 में बदल लीजिए, तो 10 15 पाई बाई 4, तो इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 4। इधर हम 4 पाई कर रहे हैं और यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो 16 और 15 पाई बाई 4 आ रहा है, और 10 4 पाई माइनस थीटा होगा माइनस का 10 थीटा, तो माइनस 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 एक होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बस निष्पत्ति का आपको ध्यान देना है, तो ये आपसे ईजिली हो जाएंगी। और जो पुराने सूत्र हैं साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, उनकी फिर से चर्चा कर लेते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी यहाँ आपको। सी डी वाले फॉर्मूले बोलते हैं, तो सबसे पहला आपको लगेगा बार बार साइन सी प्लस साइन डी, इनको ढंग से आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहले आएगा साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसी तरह साइन सी माइनस साइन डी ये होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब आखिरी है कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें साइन ही साइन आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, और अगर सी माइनस डी लिखना है तो बाहर माइनस लगा के लिख सकते हैं इस तरह। तो इन सूत्रों पर बेस्ड हैं और निष्पत्ति वाली चीजों पर बेस्ड हैं। तो अब हम 3.3 पे आते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। पहला क्वेश्चन कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और माइनस हाफ लाना है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। सब मान रखिए, साइन 30 का मान है तो 1/4 हो जाएगा, कॉस 60 है तो इसका स्क्वायर हमें दिए भी 1/4 हो जाएगा, ये रहेगा तो 2/4 1/2 माइनस 1, तो आएगा माइनस हाफ। इसी तरह सेकेंड वन है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसमें 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 और कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 मीन्स 30 और ये हो जाएगा 1/4, और 7 पाई बाई 6 का मतलब है साइन पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस थर्ड में है सॉरी, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है और स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी आएगा आपका 2/√3 का स्क्वायर। तो इधर जो बनेगा सॉरी 1/2 का स्क्वायर। वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, लास्ट प्रॉब्लम से चलता हूं, आसान है प्रॉब्लम, मैंने आप आसानी से कर सकेंगे। तो इसका 25 क्वेश्चन है, मैं 25 को लिखता हूं, कॉस 6x इक्वल टू 32 माइनस 48 और 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेंगे,
यहां से हम चलेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे इस तरह की, यहां देखिए एंगल जहां भी दिख रहे हैं एंगल में एक्स है, वेदर सिक्स एक्स है, हमें सिक्स एक्स से एक्स में पहुंचना है। तो कई प्रकार से इसको कर सकते हैं, कॉस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कॉस थ्री थीटा से और टू थीटा से भी कर सकते हैं, इसमें कॉस टू का लगाता हूँ, ये होगा टू कॉस स्क्वायर थ्री एक्स माइनस वन, कॉस टू थीटा का जो ये सूत्र होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसका हाफ आएगा जो। अब मैं कॉस थ्री एक्स को तोड़ूंगा, कॉस थ्री एक्स का होगा फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, अब होल स्क्वायर तोड़ के दो का अंदर गुणा करना, नाइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस चौबीस कॉस घात चार एक्स, दो का गुणा होगा बत्तीस प्लस अठारह कॉस स्क्वायर एक्स चौबीस कॉस घात माइनस वन, ये चला प्रूव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 में, ये आपका कॉस 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो इजीली हो जाएगा कॉस 2x से, फिर हाफ में बदल लेंगे, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और साइन वाला तोड़ेंगे क्योंकि इधर साइन वाली चीजें आ रही हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x ये आएगी फॉर्मूले से, तो वो ये वाला है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका हाफ यहाँ आता है। अब मैं साइन 2x को तोड़ूंगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स में, स्क्वायर जो बचा रहेगा इसका स्क्वायर करके फिर दो का गुणा कर देंगे। अब आते 23 में, ट्वेंटी थ्री में आपको टेन फोर एक्स की वैल्यू प्रूव करनी है, पूरा लिख देता हूं, प्लस टेन का चार एक्स, तो इसके लिए हमें एंगल के हिसाब से चलना होगा, यहाँ 4x और यहाँ हमें हर जगह x सही होगा, तो हम इसको दो बार आप कर लेंगे। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला tan 2x से, तो tan 2x का होता है 2 tan x, तो ये 2x आएगा, इसका हाफ होगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब tan 2x का फिर से तोड़ देंगे तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, अब यहां भी तोड़ेंगे 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर इसका होल स्क्वायर जाएगा तो एक कट जाएगा एक बचेगा, 4 tan x और 1 माइनस tan x, ये अपॉन में आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस फोर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही जो हमें चाहिए आ जाएगा बहुत इजीली। पॉड वाला भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कॉट वाले क्वेश्चंस में आपको उसको बड़े इजीली आप इसको टेन में बदल सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप पूरे क्वेश्चंस में टेन एक्स
जो एंगल यहां देख रहे हैं tan 2x और tan 3x से गुणा करिए, गुणा करने के बाद ये आइडेंटिटी बन जाएगी जो tan वाले क्वेश्चन होते हैं। यहां पे हमें एंगल को देखना होता है, x 2x 3x देख रहे हैं, तो आप इस तरह स्टार्ट करेंगे इसको, 3x को ये लिखेंगे उसी के फॉर्म में और बोथ साइड का tan लेंगे, फिर इसको ए प्लस बी से एक्सपांड करके और अरेंज कर लेंगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी, और टेन से भाग दे दें तीनों में तो फिर क्वाड वाला भी आ जाएगा।